मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा पर पत्नी को पीटने का आरोप। पत्नी ने कहा, कान का पर्दा फटा, मोबाइल भी तोड़ा। दो दिन पहले शादी हुई थी। इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा पर पत्नी के साथ मारपीट का आरोप लगा है। पत्नी यानिका के मुताबिक विवेक ने कमरा बंद करके बेरहमी से पीटा, इससे उसका कान का पर्दा फट गया, गाली गलौज की, मोबाइल भी तोड़ दिया। बिंद्रा के खिलाफ नोएडा में FIR दर्ज की गई है। FIR के मुताबिक 6 दिसंबर को विवेक बिंद्रा की यानिका से शादी हुई थी। मारपीट की घटना 8 दिसंबर की है। इसके बाद यानिका को दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यानिका के भाई वैभव कवात्रा ने विवेक के खिलाफ 14 दिसंबर को सेक्टर 126 थाने में केस दर्ज करवाया, लेकिन मामला शुक्रवार शाम को सामने आया। विवेक बिंद्रा का एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें वह सोसाइटी के गेट पर पत्नी के साथ नोकझोंक करते दिखाई दे रहे हैं। विवेक बिंद्रा बड़ा बिजनेस के CEO है। यूट्यूब पर विवेक के 2 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर है। गाजियाबाद के चंदन नगर निवासी वैभव कवात्रा ने FIR दर्ज कराई है। वैभव विवेक के साले हैं। इसमें उन्होंने बताया, मेरी बहन यानिका की शादी 6 दिसंबर को विवेक बिंद्रा के साथ ललित माननगर होटल में हुई थी। विवेक इस समय सेक्टर 94 स्थित सुपरनोवा वेस्ट रेजिडेंसी में रहते हैं। 8 दिसंबर की सुबह 3 बजे विवेक अपनी माँ प्रभा से बहस कर रहे थे। यानिका ने बीच बचाव की कोशिश की तो विवेक पत्नी पर भड़क गए।